हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सभी की फेवरेट और किसी भी फेस्टिवल में बनने वाली सुपर टेस्टी बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैं मिल्क पाउडर से बनाऊँगी। परफेक्ट मेजरमेंट से ये बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इस सुपर टेस्टी बर्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप चीनी लिया है, 1 कप घी लिया है। जिस बर्तन में हमें बर्फ़ी को सेट करनी है उसे घी से अच्छी तरह से ग्रीज कर देना है। यदि ये नहीं करेंगे तो बर्फ़ी इसमें चिपक जाएगी। यहाँ मैंने बटर पेपर को अच्छी तरह से घी से ग्रीज कर दिया है। कढ़ाई को मीडियम स्लो आंच पे रख देना है। अब इसमें सारे घी को डाल देना है। 1 कप घी में 2 कप बेसन डाल देना है। बेसन को घी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। आंच को बिल्कुल स्लो रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। 5 मिनट तक लगातार चलाने के बाद बेसन के भुनने की खुशबू आने लगी है। बेसन को 2 मिनट और चला लिया है। अब इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब मिल्क पाउडर डाल देना है। अब बेसन और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस को बंद कर देना है। एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर मिक्स कर देना है। सभी को अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख लेना है। चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी को बर्तन में डाल दिया है। 1 कप पानी डाल देना है। हाई फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक कर लेना है। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। अब चाशनी में 1 तार बन रही है, मतलब चाशनी हमारी रेडी है। अब बेसन के मिक्सचर में चाशनी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब बेसन और चाशनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे घी से ग्रीस किए हुए बर्तन में डाल देना है। सारे बेसन को इसमें डाल दिया है। अब 1 चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। इस तरह से बेसन को चारों तरफ से चिकना कर लेना है। थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते को बारीक काट लिया है। इसे बेसन के ऊपर इस तरह से डाल देना है। ड्राई फ्रूट्स को चम्मच से इस तरह से दबा देना है ताकि ये इसमें चिपक जाए। अब बर्फ़ी को सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देना है। अब 1 घंटे हो गए हैं, बर्फ़ी हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब चाकू की सहायता से इसे बड़े या छोटे पीसेस में काट लेना है। इस तरह से बर्फ़ी को मीडियम आकार में काट लिया है। एक को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। बर्फ़ी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। इसे एयर टाइट कंटेनर डब्बे में रखकर 1 सप्ताह तक खा सकते हैं। आप भी इसे बनाइए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल देसी व्यंजन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।